ईद का पहला दिन और सुबह से काम काफ़ी सारे किए हैं। एक बकरा अपना ज़बह किया, एक कज़न का बकरा जो था उसमें हाथ बटाया, उसके बाद बाकी छोटे मोटे काम किए। और आज गर्मी इंतहा आ गई थी, अभी भी ये तकरीबन 7 बजने वाले हैं और मैं वॉक पे आया हूँ और इतनी अभी भी पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इनको ना मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी है, मैं जो ही इधर पास आता हूँ ना इतना शोर करते हैं जैसे मैंने इनको खा जाना। ठीक है, एक ये है एक वो है, टटोली कहते हैं इनको, और मेरे इर्द गिर्द आके शोर कर ही जाएंगे कर ही जाएंगे। 9th क्लास वाले बच्चे पूछ रहे थे कि बायो पढ़ा सकते हैं, बायो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता भाई, मुझे नहीं आती। तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मत कहें बायो पढ़ा दें, और इवन के केमिस्ट्री मैं करवा सकता हूँ लेकिन केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। दूसरे चैनल को भी टाइम देना होता है बड़ी क्लासेस के लिए, ठीक है, वो फेडरल बोर्ड भी है उसके अंदर बाकी चीज़ें भी हैं। तो सिर्फ दो चीज़ें मैं करवाऊंगा आप लोगों को, एक फिज़िक्स है आपकी और एक मैथ, तो ये दो चीज़ें ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होंगी। तो बराए मेहरबानी ये दो चीज़ें कर लें, बाकी इंशाल्लाह आप देखें, और बड़े बड़े अच्छे पढ़ाने वाले हैं उनको आप देखें, वहाँ से चेक करें तो उधर से पढ़ लें। बाकी मेरा इस चैनल का थीम ये है कि मैंने इस साल 6th की क्लास का जो मैथ है उसको कंप्लीट करना है, 7th का जो मैथ है उसको कंप्लीट करना है, और ये 9th का आपका मैथ ये भी अभी करना है। गांव की लाइफ ना बड़ी मज़े की होती है, ये खुले मैदान और फ्रेश एयर, और ये देखें सनसेट, मैं आपको पीछे दिखाऊं, ठीक है, ये वीडियो में तो इतना हास नहीं लगेगा लेकिन एक्चुअल में ये बहुत प्यारा होता है। तो ये आप सराउंडिंग में देखें, पूरा घुमा के मैं 360 आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो उस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे ये काफ़ी सारी मिट्टी जो है इन्होंने इकट्ठी की हुई है।